पे आपको लेटर्स की को देखना है, ठीक है, पूरे ए टू जेड को, एंड स्टडी दैम केयरफुली, और आपको उसको स्टडी करना है केयरफुली। यानी कि हमने जब कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, लेटर्स की के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि लेटर की जो है वो कीबोर्ड पे तीन लाइन जो होती है वो लेटर्स कीज की होती है, ठीक है ना। और तीन लाइन में वहाँ पर हमारे पास लेटर्स होते हैं, और कितने हमारे पास लेटर्स होते हैं, 26, क्योंकि पूरे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इसलिए लेटर्स कीज भी हमारे पास कितनी होती है, 26 होती है, ए टू जेड। तो आज आपको क्या करना है, इस लाइन को जो है वो क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है कि जो हमारी कौन सी जो हमारी की है वो कहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, कौन सी लाइन में हमारी कौन सी की जो है वो कौन सा लेटर यहाँ पर लिखा गया है। गॉट इट स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ सी हियर, मैंने देखो आपको हाईलाइट करके यहाँ बताया है कि ये हमारी जो है वो फर्स्ट लाइन है हमारी लेटर की, ठीक है, आपको येलो बॉक्स में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है, हमारी लेटर की। नाउ ये हमारी सेकेंड लाइन है लेटर की, जो अब आपको ग्रीन बॉक्स में नजर आ रही है, और उसके बाद है थर्ड लाइन, ठीक है, ये हमारी थर्ड लाइन है लेटर की, जो ब्लू में, ठीक है, ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है। नाउ हम क्या करेंगे, हम इसको केयरफुली क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, सी हियर। नाउ फर्स्ट जो लाइन में हमारी कीज होती है, ठीक है, जो लेटर यहाँ पर लिखे हुए वो कौन से लेटर होते हैं, क्यू वी ई आर टी यू वाई यू आई ओ पी, ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट लाइन में जो हमारे लेटर्स कीज होती है वो ये यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से क्या करना है, रीड करना है, और इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये लेटर्स की, ठीक है, किस तरह से लिखी गई है, ओके। नाउ यहाँ कितनी लेटर्स की हमारी जो है वो फर्स्ट रो में होती है, 10। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये कितनी लेटर की है, 10 है, ओके। तो आपको इसे क्या करना है, अच्छे से इसे याद करना है और अपने ध्यान में रखना है। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो में जो हमारे लेटर्स होते हैं वो है ए एस डी एफ जी एच जे के एल, अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब ये हमारी सेकेंड रो की क्या है, हमारे लेटर्स है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान से इसे क्या करना है, देखना है और फिर याद करना है। नाउ देन थर्ड रो, अब ये हमारी थर्ड लाइन की, ठीक है, जो हमारे लेटर्स है, इसमें कौन सा हमारा लेटर्स आ रहा है, जेड एक्स सी वी बी एन एम, ओके, ये हमारे थर्ड रो की जो है क्या है, हमारे लेटर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में अगर आप लाइन में अगर आप काउंट करोगे तो कितने लेटर्स की होती है, 10। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमारे कितने लेटर्स की होती है, 9। और थर्ड लाइन में हमारे कितनी लेटर्स की होती है, 7। गॉट इट? तो ये अगर हम इसको टोटल देखेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी ए टू जेड जो है वो कीज हमारे यहाँ पर लेटर्स कीज में दी होती है, जो कितनी है, 26। नाउ क्योंकि अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके, नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा 29। नाउ 29 पेज पे क्या कह रहे हैं, स्टडी द लेटर की ए टू जेड ऑन द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन ऑन पेज नंबर 28। अभी हमको उसने क्या, वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो आपने जो पेज नंबर 28 पे जो ए टू जेड की जो कीबोर्ड का जो पिक्चर देखा था उसके ऊपर जो लेटर्स की लिखी हुई थी, ठीक है, वो आपको उसकी स्टडी करना है। तो अभी हमने उस पेज नंबर की स्टडी की, ओके। नाउ अब क्या कह रहा है, कंप्लीट द लेटर की इन दिस पेज। अब उसको स्टडी करने के बाद हमें हमारे क्या करना है, इस जो है वो कीबोर्ड की जो लेटर्स कीज है उसको हमें कंप्लीट करना है। या देखो आपको लेटर्स कीज के जो है वो लेटर्स यहाँ पर खाली है, ठीक है, उसमें लेटर्स कीज नहीं लिखी हुई, तो वो अब हमें लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें हमारी जो है वो कीज लिखेंगे।
ओके ना, तो फर्स्ट जो है वो हमारी फर्स्ट रो है, उसमें हमने पढ़े थे कि कितने हमारी लेटर्स की थी, 10 लेटर्स की, ठीक है। और सबसे पहला जो हमारा लेटर था वो था क्यू, सी, तो आपको भी लिखना है क्यू। नाउ नेक्स्ट था हमारा डब्ल्यू, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट था ई, देन उसके बाद था आर, देन उसके बाद टी, देन वाई, यू, आई, ओ, पी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये हमारी फर्स्ट लाइन की लेटर्स खींच थी। ओके ना, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन्स की लेटर्स की लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन में सबसे फर्स्ट वर्ड था ए, देन एस, देन डी, देन एफ, देन जी, देन एच, देन जे, देन के, देन एल। ओके, तो ये हमारी सेकेंड लाइन के लेटर, ओके, लेटर की है। नाउ अब हम थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में जो हमारी फर्स्ट लेटर की था वो था सेड, नाउ एक्स, देन सी, देन वी, देन बी, देन एन, देन एम। ओके स्टूडेंट, तो आपको भी क्या करना है, इस तरह से ये जो पेज नंबर 28 आपको 29 को क्या करना है, आपको इसकी आज स्टडी करना है। पहले आप 28 नंबर पेज पे जो है वो लेटर्स की इसको देखोगे, और फिर क्या करोगे, उसके बाद आपको 29 पे जो पेज नंबर दिया है उसकी आपको लेटर्स की यहाँ पर लिखना है। गॉट इट? होप यू विल अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपको अपने वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।